हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मैं ना, आज संडे है तो काम आराम से हो रहा है, अभी झाड़ू लगाया खाली और चाय पानी हुआ और पतिदेव गए कूड़ा फूंकने। यहाँ ऊपर फूकते हैं कूड़ा है, क्योंकि यहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं आती ना, तो वो फूकना पड़ता है, नहीं तो फैल जाता है हर जगह। बाकी ऐसा गीला कूड़ा तो हो जाता है, यहाँ पर गाय हुए रहती हैं तो वो खा लेती हैं, लेकिन क्या है ना, पॉलिथीन वगैरह ऐसा चीज हो जाती है जो कि फेंक नहीं सकते। और मैं ये ले जा रही हूँ, मैं कपड़े धोने को लगा रही हूँ ना, तो वहाँ बाहर मशीन जहाँ पर रखी है वहाँ तक नहीं पहुँचता है स्विच, तो मैं ये ले जा रही हूँ, वहाँ पे लगाऊंगी। और कपड़े भिगाने को रखे हुए हैं मैंने, ज़्यादा हो गया होगा पानी, मैंने ना सब डाल रखा था। तो नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक ही है। मैंने सोचा कहीं मशीन फुल हो गई होगी, क्योंकि पानी बहुत कम आ रहा है ना हमारे यहाँ आजकल, गर्मियों में होता है कम पानी, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कहीं मेरी मशीन फुल ना हो गई हो, तो मैं फिर दोबारा से खाली करके फिर सब डालना पड़ेगा। तो सुबह का काम 8:30 हो रहा है, 8:30। हाँ, तो अभी कल तक तो अभी तक मेरा आधा काम हो जाता था, क्योंकि सुबह 6 बजे से लग जाती थी तो हो जाता था। आज मैं देर से उठी हूँ, तब चाय पानी हुआ, तब झाड़ू हुआ, अभी झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। और फिर आज हेल्प के लिए पतिदेव भी थे, तो कुछ कुछ पतिदेव बाहर पोर्च का झाड़ू उन्होंने किया, तो मुझे अंदर ही अंदर करना पड़ा। और आज ऊपर नहीं गए, अभी हम ऊपर भी जाना है, ऊपर भी ना पत्ते हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, सफाई करने के लिए हो रखे हैं। और जो मैंने गेहूँ सुखा के रखे हैं वो भी टंकी में डालने हैं, क्योंकि वो अकेले मेरे बस के नहीं थे, दोनों उठा के डालेंगे तो सही रहेगा। अगर मैं अकेले वेट उठाती तो दिक्कत हो जाती है, और पतिदेव भी वेट उठाना उनको भी मना है, तो इसलिए मैं ना दोनों मिल के थोड़ा थोड़ा करके टंकी में डालेंगे। और दवाई भी ला रखी है, दवाई भी डालेंगे गेहूँ में, ला रखी है पर डाला नहीं है, तो आज वो काम भी करेंगे। और फिर नाश्ता बनाऊंगी पहले, तो क्योंकि आज घर पे हैं तो नाश्ता तो बनता है, फिर लंच बनाएंगे दिन में, तो आप लोग बने रहिए, मैं तब तक कपड़े धो लेती हूँ। और लगा दिए मैंने कपड़े धोने को, और सोच रही हूँ आज मैं ये चादर भी, गर्म चादर ना चेंज कर लेती हूँ, इनको भी धो के रख देती हूँ, और जो ठंडी चादर है उनको लगा लेती हूँ बेड पे, क्योंकि ना अब गर्मी होने लग गई तो गर्म चादर में और गर्मी लगेगी, इसलिए ठंडी चादर निकाल के और गर्म चादर धो के रख लेती हूँ। आज मशीन लगा रखी है, पानी तो कम ही आ रहा है, पर चलो देखते हैं। इस कमरे की मैंने लगा दी चादर, अब मैं ना दूसरे कमरे की लगाऊंगी, इसमें तो हो गया। और दूसरे कमरे में भी मैंने लगा दी चादर, और अब मैं इन चादरों को, गर्म वाली जो है वो, उनको धोती हूँ और फिर कपड़े भी निकालती हूँ। और अब धो दिए मैंने सारे कपड़े, चादर जो भी थे, और टाइम हो गया है 10, और अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। आज नाश्ते के लिए भी देर हो गई, क्योंकि पतिदेव भी लगे हुए हैं, मैं भी लगी हुई हूँ, तो नाश्ता नहीं किया अभी। अब मैंने रखा है एक तरफ दलिया, एक तरफ चाय, और चाय पियेंगे फिर नाश्ता खाएंगे। टफी को लगेगी सुई, टफी बन गई मेरी दाल, पीली दाल बनाई मैंने। और ये रहा सलाद, ये रही हरी सब्जी, हो गया मेरा
लंच तैयार। हेलो, शाम के बज गए 6 और हम चले घूमने के लिए। टफी पीछे ही रह गया। टफी ना आजकल पता नहीं, बस ये आज भी इसको इंजेक्शन लगाया, दवाई लाई थी तो दिन में दिया था पर खाया उसने कुछ नहीं। हाँ, एक केला खाया था, वो भी जबरदस्ती मैंने उसके मुंह में डाल डाल के। एक केला बहुत मुश्किल से खाया उसने, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, लेकिन मिट्टी तो खा रहा है वो। मिट्टी कल भी देखा मैंने इसको, मिट्टी खाते हुए मिट्टी खा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। आज एक केला खाया, देखती हूँ शाम तक खाना रोटी या थोड़ा सा केला टमाटर भी खा लेना तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो केला टमाटर ही ज़्यादा खाता है, देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। ठंडी हवा चल रही है आज, कहीं बारिश हुई होगी ना। हाँ, अच्छी लग रही है ठंडी हवा। तो चलो फिर चलते हैं, हम भी मिलते हैं फिर आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, बाय।